बीच एक और अहम जानकारी मिल रही है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर मिल रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने विशेष अभियान के निर्देश यहां पर दिए हैं। प्रदेश में अब पहले से ज्यादा होंगे डिकॉय ऑपरेशन, उनके द्वारा ये बड़ी बात कही गई है। डिकॉय ऑपरेशन में गति लाकर लिंग जांच रोका जाएगा, सीमावर्ती जिलों में कड़ी नजरें रखी जाएंगी, ये भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। तो इसको लेकर सरकार बेहद गंभीर, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, और अब चिकित्सा मंत्री के द्वारा विशेष अभियान के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में जब से ये एक्ट बना है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के पर्पस से बना था, और हम लोग बराबर 3 महीने में इसकी मीटिंग करते हैं। कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं उनके सुझाव जो आते हैं, हमारी चर्चा में भी जो बिंदु आते हैं उनके ऊपर निर्णय भी लेते हैं। अभी जैसा अपराधी जो हमारे जिले हैं, जो पड़ोसी राज्यों से लगे हुए हैं, तो इंटरस्टेट जो मीटिंग है वो भी हमारी टाइमली हो जाए, ताकि अपराधी अपराध चाहे हमारे राज्य का दूसरे राज्य में जाके करे या दूसरे राज्य का हमारे राज्य में आके करे, उस पर प्रभावी नियंत्रण लगे, डिकॉय हमारे हो, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो और सुदृढ़ हो। कुल मिला के राजस्थान में जो चाइल्ड रेशियो है, गर्ल और गर्ल चाइल्ड रेशियो इन कंपैरिजन टू बॉय चाइल्ड रेशियो, वो इक्वल उस पे आए, ये हम लोगों की जिन जिलों में ज्यादा डिफरेंस है बच्चियों की और बच्चों के उसमें, उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले टाइम में। और राजस्थान में वैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट की बहुत ढंग से अनुपालना हो रही है, और सोनोग्राफी के जो सेंटर्स हैं उनके सारे पे एक्टिव ट्रैकर्स हमने लगा रखे हैं। इस कानून को राजस्थान में कैसे अमलीजामा 100% हम दें, उस पर